इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से आप जानिए कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदय तिथि एकादशी और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 7:44 तक रहेगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत करने का विधान है। शास्त्रों में जया एकादशी को बड़ा ही फलदायी बताया गया है। आज शाम 4:42 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 4 सितंबर की शाम 5:45 से कल सुबह 5:42 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 11 सितंबर की सूर्योदय से 11:28 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और दोपहर पहले 1:59 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 4:03 से शाम 7:13 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 सितंबर की सुबह 6:57 से 8:22 तक रहेगा। कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 4 सितंबर की सुबह 7:01 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 4 सितंबर की सुबह 8:25 से दोपहर 3:55 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और दोपहर 1:59 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 4:03 से रात 8:38 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 सितंबर की सुबह 6:03 से 9:02 तक, और फिर दोपहर पहले 11:21 से शाम 5:26 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 सितंबर की सुबह 8:25 से दोपहर 1:55 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:59 से देर शाम 5:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। आज ये अशुभ समय 4 सितंबर को दोपहर 12:25 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:04 से दोपहर 12:38 तक।
चंडीगढ़ सुबह 10:46 से दोपहर 12:21 तक, लखनऊ सुबह 10:31 से दोपहर 12:05 तक, भोपाल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक, कोलकाता सुबह 10:02 से दोपहर पहले 11:36 तक, अहमदाबाद दोपहर पहले 11:04 से दोपहर 12:38 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:35 से दोपहर 12:08 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। ऑफिस के सीनियर्स आपके अधूरे कामों को देखकर नाराज हो सकते हैं। माता पिता आपकी तरक्की से प्रसन्न होंगे। ज्वेलरी शॉप वाले लोगों को आज बड़ा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। इस राशि के राजनीतिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। समाज में आपका नाम होगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। महिलाएं आज रसोई घर में काम करते हुए थोड़ा ध्यान रखें और छोटे बच्चों को भी रसोई घर से दूर रखें। स्वास्थ्य आज पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों को आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। ऑफिस का काम आज समय से पहले पूरा हो जाएगा, जिससे आप अपने घर वालों को समय देंगे। आज बेहतर होगा किसी को बिना आवश्यकता अपनी राय न दें। कारोबार में आज किसी भी तरह की नई योजना शुरू करने से पहले 2-4 लोगों से राय जरूर ले लें। इस राशि के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जल्द ही सफलता मिलेगी। सेहत के प्रति आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। लंबे समय से रुके काम को पूरा करने में दोस्त की मदद मिलेगी। ऑफिस के कलीग्स आपका सम्मान करेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। स्टूडेंट्स का आज पढ़ाई से मन भटक सकता है। इस राशि के मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। अचानक धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आज जिस किसी भी काम को पूरा करने की सोचेंगे उसे कड़ी मेहनत और लगन के साथ पूरा कर लेंगे। आज आपके सहकर्मी आपकी तारीफ करेंगे। व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस आएगा, साथ ही धन लाभ के नए रास्ते भी नजर आएंगे। आज आप घर पर अपनी माता से कुछ अच्छा और नया सीखेंगे। आज आप सोना खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं। जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें, रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों आज किस्मत आपके साथ रहेगी। आज नए काम की शुरुआत से आपको बड़ा फायदा होगा। इस राशि के लोगों को आज अचानक धन लाभ होगा, जिसको आप अच्छे कामों में लगाएंगे। आज कोई करीबी आपको अच्छी सलाह देगा, जो आपके कार्यों को पूरा करने में कारगर साबित होगी। आज कानूनी कार्यवाही में थोड़ा विलंब होने की संभावना है। इस राशि के कैटरिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। नवविवाहित आज अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, इससे रिश्तों में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों आज आपको लोगों की परवाह किए बिना अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। आज के दिन कोई रिश्तेदार आपको शुभ समाचार दे सकता है। आज ऑफिस में आपको कोई नया काम मिलेगा, जिसमें आपको पुरानी कंपनी का अनुभव काम आएगा। आज कुछ लोग आपकी तरक्की पर विरोध भी करेंगे, लेकिन सीनियर्स के सपोर्ट से आपका प्रमोशन होना तय है। लॉ की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है, इसलिए इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। आज आपको ऑनलाइन पैसा कमाने का मौका मिलेगा। शाम को आप दोस्तों के साथ बात करके पुराने मसले सुलझा लेंगे। ऑफिस के काम में आज आपकी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे। आज स्वास्थ्य पहले से ठीक रहेगा। अगर आप कोई नई जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। आज जीवन साथी के साथ घर पर ही मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों आज का दिन फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में आप साहस के साथ काम करेंगे तो सफलता
खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगी। आज दूसरों के साथ मीठा बोलने की कोशिश करें, फायदा जरूर मिलेगा। बच्चों की खिलखिलाहट से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज भाई बहन के साथ रिश्ते और बेहतर होंगे, सेहत पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन बाहर का खाना अवॉइड ही करें। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। जल्द ही किसी अच्छे सीनियर डॉक्टर के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आप ऑफिस का काम अपनी मेहनत और लगन से पूरा करने में सफल होंगे, साथ ही सीनियर्स आपके काम की तारीफ भी करेंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर टीचर से आपको वाहवाही मिलेगी। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जूतों का व्यापार कर रहे लोगों को लाभ होगा। लवमेट आज अपने रूठे हुए साथी को मनाने की कोशिश करेंगे। दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज काम का बोझ अधिक होने से बच्चों को टाइम कम दे पाएंगे। ऑफिस में कार्यों को पूरा करने के लिए आप किसी सहकर्मी से मदद लेंगे। संतान की ओर से खुशखबरी मिलने से परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। नवविवाहितों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी को डिनर पर कहीं ले जाएंगे। आज बच्चे अपने माता पिता से कोई बात शेयर करेंगे। व्यापार में अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। कई दिनों से आपकी तरक्की में आ रही अड़चनें आज दूर हो जाएंगी। समाज के लोग आज आपके व्यक्तित्व से खुश रहेंगे। आज किसी काम को लेकर आप बड़े भाई से मदद लेंगे। आज ऑफिस के काम से किसी दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। आज घर के बुजुर्ग की मदद से आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन राहतपूर्ण रहेगा। परिवार के लोग घर के काम में सहायता करेंगे। स्वास्थ्य आज रोज की अपेक्षा बेहतरीन रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज सोचा हुआ काम आसानी से पूरा हो जाएगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा। इस राशि के बिल्डर्स का दिन बेहतरीन रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को आज नया काम मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। उस नए काम को आज आप समझदारी से पूरा कर लेंगे। परिवार के सभी सदस्य आज आपसे खुश रहेंगे। आज परिवार के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। बच्चों की सफलता आपकी खुशियों को दोगुना कर देगी। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज चीटियों के बिल के पास त्रिचोली डालें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को फूल माला पहनाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज कुछ ऐसे काम पूरे होंगे जिनके पूरे होने की उम्मीदें बहुत कम थी। मूलांक 2, किसी करीबी मित्र से मन की बात कहना चाहते हैं तो आज आप कह सकते हैं। मूलांक 3, अगर कोई पुरानी बात आपके दिमाग में चल रही है तो आज उससे छुटकारा मिलेगा। मूलांक 4, आलस्य के कारण कोई जरूरी काम अधूरा रह सकता है, इसलिए आप आलस्य से दूर ही रहें। मूलांक 5, ऐसे लोगों के साथ समय बिता सकते हैं जो आपकी बातों को समझेंगे। मूलांक 6, छात्रों को पढ़ाई में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 7, आपको किस्मत का साथ मिलेगा, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 8, आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए आप आज बाहर का खाना अवॉइड करें। मूलांक 9, बचपन के किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है, उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में मांगलिक चिन्हों के प्रयोग के बारे में। मनुष्य को, सभी लोगों को अपने घर पर मांगलिक चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मछली एक बड़ा ही शुभ मांगलिक चिन्ह है। मछली की उपस्थिति वरुण के श्राप से मुक्त करती है और वरुण की कृपा का प्रदर्शन करती है। तो मछली जहां होती है, जिन दरवाजों पर मछली बनी होती है, उन दरवाजों पर वरुण देव की कृपा बनी रहती है। और वरुण देव क्या है? समुद्र को कहते हैं रत्नाकर, रत्नों की खान। जिस घर पर वरुण देव की कृपा होती है, उस घर पर वो घर रत्नों की खान बन जाता है। और वैसे वरुण देव की कृपा पानी के संरक्षण से आती है, व्यर्थ जल न बहाने से आती है। और जब आप मछली को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लगाते हैं
स्वाभाविक रूप से आप घर में पानी वेस्ट नहीं करते, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाती है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आपको हमेशा याद आता रहता है और हमेशा याद आता है कि जल का संरक्षण करें ताकि मछली जी सके। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है एक्चुअल वर्क वही करता है। ऐसे ही आप स्वस्तिक का चिन्ह भी लगा सकते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह क्या है? क्रॉस, बिल्कुल क्रॉस और उसकी लाइनें, फिर चार बिंदियां और उन लाइनों के बाहर भी छोटी छोटी लाइनें, इनके बड़े अर्थ हैं। किसी दिन हम आपको पूरा पूरा इसके बारे में तफसील से बताएंगे। सिर्फ ये बता दूं आज कि ये जो चार बिंदियां हैं ये चार 27 नक्षत्रों के प्रतीक हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाः, स्वस्ति न पूखा विश्वेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यानी नस्तार्क्ष माने विष्णु, स्वस्ति न एक नक्षत्र इंद्र का, स्वस्ति न अगला नवा त्वष्टा विष्णु और बृहस्पति। किसी दिन इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वस्ति का चिन्ह घर पर लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। 1 मिलियन बोविस एनर्जीज, पॉजिटिव बोविस एनर्जीज में होती है। ध्यान रहे कि स्वस्तिक का चिन्ह लगाते समय उसकी भुजाएं बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए, स्वस्तिक टिल्टेड नहीं होना चाहिए और स्वस्तिक उल्टा नहीं होना चाहिए, स्वस्तिक सीधा होना चाहिए और उसके एंगल्स बिल्कुल 90 डिग्री पर होने चाहिए। वास्तु शास्त्र में ये थी चर्चा घर पर लगाए जाने वाले मांगलिक चिन्हों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपना कर अपने घर के वास्तु को बेहतर बनाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि एकादशी और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 7:44 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। फिलहाल बात करेंगे एकादशी तिथि की। बता दूं कि आज उदया तिथि एकादशी होने से एकादशी का व्रत आज ही किया जाएगा। और आप जानते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को जया एकादशी का व्रत करने का विधान है। शास्त्रों में जया एकादशी को बड़ा ही फलदायी बताया गया है। एकादशी में भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने, उनकी पूजा करने का विधान है। यहाँ एकादशी के व्रत के विषय में एक बात और बता दूं कि वैसे तो कृष्ण पक्ष की एकादशी केवल उनको करनी चाहिए जो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ लोगों को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, साथ ही शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो भी कर सकते हैं जो गृहस्थ नहीं है, वो भी कर सकते हैं शुक्ल पक्ष, लेकिन कृष्ण पक्ष वाली जो गृहस्थ नहीं है उन्हीं को करना चाहिए। यहाँ एक और पेच है, ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद पुराण में आया है कि गृहस्थ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की बोधनी एकादशी के मध्य पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कर सकते हैं। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आषाढ़ और कार्तिक शुक्ल पक्ष के बीच में ही पड़ती है, लिहाजा आज जो गृहस्थ नहीं है और जो गृहस्थ हैं दोनों ये व्रत कर सकते हैं और श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा आज विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले नक्षत्र की। आज शाम 4:42 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में पुनर्वसु नक्षत्र 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन और सौभाग्य के स्वामी है। अर्थात पुनर्वसु का अर्थ है पुनः धनी और सौभाग्यशाली होना, लिहाजा यह नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। पुनर्वसु नक्षत्र की राशि मिथुन है और इसके स्वामी बृहस्पति। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाण को अथवा बाणों से भरे हुए एक तरकस को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। ही हिट्स द गुड लक वेरी हार्ड, यानी हार्ड लक नहीं, इट्स हिटिंग गुड लक वेरी हार्ड, यानी सौभाग्य का संपूर्ण उदय। इस नक्षत्र में जन्मे लोग सकारात्मक विचारों वाले, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने वाले, दूसरों की मदद के लिए आगे रहने वाले और नए दोस्त बनाने वाले होते हैं। ये अच्छे बुरे में भेद करने की कला में भी निपुण होते हैं। साथ ही ये धार्मिक, अच्छा स्वभाव, प्रभावशाली, शिष्ट,
परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। पेड़ पौधों में इनका संबंध बांस से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वस नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी राशि मिथुन हो, उन लोगों को आज बांस के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज बांस से बनी वस्तुओं को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। आज ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये थी चर्चा पुनर्वसु नक्षत्र की, और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप अपने घर परिवार की खुशियों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज गाय का दूध लेकर उसमें थोड़ा सा केसर डालकर श्री विष्णु को भोग लगाइए। आज ऐसा करने से आपके घर परिवार की खुशियों में बढ़ोतरी जरूर होगी। अगर आप अपने करियर में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आज शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जलाएं। साथ ही ये सारी क्रिया करते समय भगवान विष्णु का नाम लगातार लेते रहें। आज ऐसा करने से आपके करियर में डेवलपमेंट होगा। अगर आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नजर से बचाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज गोबर से बने उपले या कंडे पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में धूप दिखाइए। साथ ही अगर आपका खुद का ऑफिस या कोई बिजनेस है तो वहां पर भी कपूर की धूप जरूर दिखाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपका घर परिवार दूसरों की बुरी नजर से बचा रहेगा। अगर आप अपने शत्रुओं की चाल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद कच्चा सफेद सूत का धागा लेकर तुलसी के पौधे के चारों ओर लपेट दें। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि आपको कभी कोई भी शत्रु परेशान न करे। आज के दिन ऐसा करने से शत्रु की कोई भी चाल आप पर काम नहीं करेगी और आप एक टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो उसे जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए आज शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज ये उपाय करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप अपने कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज मिट्टी का एक बर्तन लेकर उसे ऊपर तक गेहूं से भरकर किसी मंदिर में दान कर दें और साथ ही भगवान का आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में समरसता बनाए रखना चाहते हैं तो आज दूध और चावल की खीर बनाकर उसमें तुलसी की साबुत पत्तियां डालें और हो सके तो खीर में थोड़ा सा केसर भी डाल दीजिए। फिर उस खीर से श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दें और खुद भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में समरसता के साथ साथ प्यार भी बढ़ेगा। अपने काम में आ रही रुकावटों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर न हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज तुलसी की 3 पत्तियां लेकर उन पर 11 बार श्री का जाप करके भगवान विष्णु को अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अगर आप अपनी किसी मनचाही इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज एक सफेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी माला बनाइए और भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। साथ ही भगवान के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी मनचाही इच्छा जल्द ही पूरी होगी। और अगर आप अपने अनचाहे खर्चों से बचना चाहते हैं तो आज एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने अनचाहे खर्चों पर रोक लगाने में कामयाब होंगे। और अगर आप अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज घी चुपड़ी हुई रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं और साथ ही गऊ माता के दाहिने कंधे को छूकर उसका आशीर्वाद लें। तो ये सारी चर्चा थी आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जया एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नजर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद जरूर लेकर जाएं,
बी आज का डिनर परिवार के साथ करेंगे जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, सी वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपका कोई उलझा हुआ केस सुलझेगा, डी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा साथ ही आपकी जरूरतें भी पूरी होगी, ई अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप किसी अच्छे मुहूर्त पर ही स्टार्ट करें, एफ लव मेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, जी जरूरी काम समय के साथ पूरे हो जाएंगे जिससे आप प्रसन्न होंगे, एच परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे जिससे आपके मन को शांति मिलेगी, आई ऑफिस में दूसरों के सामने अपनी बात को सही ढंग से रखेंगे, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, जे आपके लिए आज का दिन बढ़िया होगा, आपके रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे, के आज आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी साथ ही आपको आगे बढ़ने की कोई किरण नजर आएगी, एल छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में आपका ज्यादा से ज्यादा मन लगेगा, एम विवाहितों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, जीवन साथी से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, एन किसी रिश्तेदार का फोन आएगा वो आपको कोई खुशी की बात बता सकते हैं, ओ जो लोग फर्नीचर का सामान खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पी बच्चों के साथ किसी पार्क में घूमने जा सकते हैं जिससे बच्चे आपसे काफी खुश होंगे, क्यू आपकी किस्मत आपके साथ होगी, आप जो भी चाहेंगे वो पूरा कर लेंगे, आर दोस्तों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके ग्रुप में कोई नया दोस्त शामिल होगा, एस लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आज आपको छुटकारा मिलेगा, टी अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको अच्छा मुहूर्त देखकर ही खरीदें, यू ऑफिस में अपने सहयोगी के सुझाव को जरूर सुने जिससे आपका काम जल्दी पूरा होगा, वी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा साथ ही मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, डब्ल्यू आज परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं, एक्स बिजनेस में आपकी सोच से अधिक आमदनी होगी जिससे आप बहुत खुश होंगे, वाई किसी इंपॉर्टेंट काम को पूरा करना चाह रहे हैं तो आज वो काम पूरा होगा, जेड कार्य क्षेत्र में आज कुछ बदलाव हो सकते हैं, ये बदलाव आपके लिए अच्छे होंगे, और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं मथुरा के माँ लक्ष्मी मंदिर के दर्शन, ये मंदिर मथुरा के बेलवन स्थान पर स्थापित है, इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला देखने माता महालक्ष्मी माता लक्ष्मी बेलवन जा पहुंची, परंतु उन्हें ललिता सखी ने यह कहकर दर्शन करने से रोक दिया कि आपका ऐश्वर्य लीला से संबंध है जबकि वृंदावन माधुर्यमयी लीला का स्थान है, जिसके बाद माँ लक्ष्मी यहाँ वृंदावन की ओर मुख कर तप में लीन हो गई, मान्यता है कि पौष माह में माँ लक्ष्मी ने कृष्ण जी के लिए खिचड़ी भी बनाई थी, इस कारण हर पौष मास में यहाँ खिचड़ी मेला भी लगता है, कहा जाता है कि आज भी यहाँ महालक्ष्मी माता लक्ष्मी यहाँ तपस्या कर रही है, तो आप भी कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन, जय जय माता। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है, आज 3 सितंबर को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज सुबह 7:44 पर समाप्त हो चुकी है, फिलहाल द्वादशी तिथि चल रही है, द्वादशी तिथि में पोतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए, पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, द्वादशी तिथि का सुबह 8:24 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि 5 तारीख की सुबह 8:21 तक रहेगी, त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके संतान के लिए हानिकारक बताया गया है, अतः कल सुबह 8:24 तक आपको पुतिका यानी पोई के साग का सेवन अवॉइड करना चाहिए, जबकि उसके बाद 5 तारीख की सुबह 8:21 तक आपको बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए, इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं, बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए, और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है, तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर, और अब सावधान कोरोना, ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विश्व विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसरे विसरे पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब
वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज धर्म स्थल पर दीपक जलाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।